की स्वतंत्रता का मामला है, उसे बैन नहीं लगा सकते। आपका इस मामले में क्या मानना है? देखिए, जहाँ तक स्वतंत्रता का ताल्लुक है, हर आदमी को आज़ादी है, वो स्वतंत्र है, लेकिन आज़ादी और स्वतंत्रता की हदें होती हैं। ये इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप दूसरे के जज्बात के साथ खिलवाड़ करें, आप दूसरे के मज़हब के साथ खिलवाड़ करें, दूसरे के ईमान के साथ खिलवाड़ करें, इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती और इसको आज़ादी नहीं कहा जा सकता। आप को आज़ादी है, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि आप किसी के घर के अंदर चले जाएं और आप कहें कि मैं आज़ाद हूँ। ये तो आज़ादी नहीं हो सकती कि आप सरहदों को पार करें और कहें कि मैं तो आज़ाद हूँ, चाहे जहाँ जा सकता हूँ। ये दुनिया कानून से चलती है, नियम से चलती है, और उन कानूनों का, उन नियमों का पालन करना हर आदमी की जिम्मेदारी है। उन कानूनों के साथ आप आज़ाद हैं, ये इस दुनिया इंसानों की दुनिया है, ये जानवरों की दुनिया नहीं है कि यहाँ आप आज़ादी के नाम पे कुछ भी कर सकें। इसलिए उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, और ऐसा कोई भी फोटो हो या कोई भी चीज़ हो जिससे किसी दूसरे के जज्बात को ठेस पहुँचती हो, किसी के मज़हब को ठेस पहुँचती हो या किसी की बेइज्जती होती हो, उसको इजाज़त नहीं दी जा सकती। सर, इसमें जो दूसरे संगठन हैं और जो फेसबुक वगैरह हैं, उनका ये बोलना है कि चूंकि ये हमने नहीं डाला, किसी इंडिविजुअल ने डाला है, तो इसमें जो हमारा भारतीय कानून है वो कहीं कहीं से लचर दिखता है, जो उसको वेरीफाई नहीं कर पाता है समय पर रहते हुए, जब चीज़ें आ जाती हैं उसके बाद उस पर। देखिए देखिए, इंटरनेट एक नई, क्या कहना चाहिए, नया माध्यम है, नया आविष्कार है, तो जाहिर है उसके अंदर बहुत सारे इस तरीके के मसाइल पैदा हो सकते हैं कि मौजूदा कानून बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी लगाने में नाकाम हो। तो अगर ऐसा होता है तो जो इसके जानकार हैं उनको चाहिए, इस तरीके के कानून बनने चाहिए जिससे इस तरीके की चीज़ों पर पाबंदी लगाई जा सके और रोका जा सके। चूँकि सिर्फ ये कह देना कि ये तो हमारे यहाँ नहीं है और विदेश से आता है और दूसरी जगह से आता है, तो कहीं से भी आता हो, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाई जाए। अभी रूस के अंदर गीता पे पाबंदी लगाने के लिए लोग अदालत में पहुँच गए थे, तो उसका रिएक्शन तो पूरी दुनिया में हुआ था। हमने भी रूस की हकूमत से एहतजाज किया था, और अदालतें भी इंसानों की अदालतें हैं, कोई इंसानों से बाहर की अदालतें थोड़ी हैं। इसलिए ये तमाम बारीकियां सब की समझ में आती हैं, और इस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। कानून में अगर कहीं कमी नज़र आती है तो कानून बनना चाहिए।